हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर जो डबल क्लिक के ऊपर जो काम हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐड पर अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ रिस्पांस नहीं होता, लेकिन दोबारा जब मैं क्लिक करता हूँ तब ये यहाँ पर दूसरी फ्रैगमेंट हमारी ओपन होती है। फिर वैसे ही प्रोफाइल के ऊपर भी होता है, अगर प्रोफाइल के ऊपर एक बार मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा, दोबारा मैंने क्लिक करा तब जाकर प्रोफाइल की पेज एक्टिविटी या फ्रैगमेंट ओपन हो रही है। तो ये क्यों होता है, ऐसा रीज़न क्या है यहाँ पर? तो यहाँ रीज़न कुछ ख़ास नहीं है। जैसे कि आप ये ऐसा आप कुछ करते होगे, अभी मैंने व्यू बाइंडिंग का इस्तेमाल करा है, यहाँ पर आईडी डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो, फाइंड व्यू व्यू बाय आईडी के थ्रू भी आप ये सब चीज़ कर सकते हो, इसकी आईडी ले सकते हो। आपको ध्यान यहाँ देना होगा, ये जो सेट ऑन नेविगेशन आइटम रीसेलेक्टेड लिसनर है, ये यहाँ पे जब रीसेलेक्टेड लिखा हुआ रहेगा दैट्स मीन जब दोबारा वो सेलेक्ट करेगा, दैट्स मीन एक बार जब सेलेक्ट करा उसके बाद अगर उसने फिर से सेलेक्ट करा तो वो काम करना रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा। तो इसे अगर हम चेंज करते हैं और यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, ये सेलेक्टेड आइटम अगर मैं कर देता हूँ एंड देन यहाँ मैं दिस को कॉल करूँगा। अब ये जो है ये हमें बोलता है क्या कि मेक एक्टिविटी इम्प्लीट और फिर ये कॉम डॉट गूगल डॉट एंड्रॉयड डॉट मटेरियल। ओके, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जब इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप हमें ओपन होगा जो बोलेगा कि आप यहाँ इस मेथड को इम्प्लीमेंट करो अपने कोड के अंदर। तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर वो मेथड हमें यहाँ शो होने लगेगा। ओके, लेकिन अभी हमें क्या करना है, ऊपर हमें देखना है। यहाँ पर आप देखो, जब आप ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के पास अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ इम्प्लीमेंट किया हुआ है और इम्प्लीमेंट के अंदर क्या क्या किया हुआ है, बॉटम नेविगेशन व्यू और फिर ऑन नेविगेशन आइटम रीसेलेक्टेड लिसनर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और फिर ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर को भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो सपोज़ अगर आपने इसे रिमूव कर दिया, ये जो पहले वाली हमारी ये जो है जो मेथड है, तो इसे अगर मैं ये करता हूँ, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल, तो ये क्या होगा, हमें यहाँ एरर शो करेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको इसे रिमूव कर देना है। ओके, आपने इसे रिमूव कर दिया तो यहाँ से एरर हमारा हट गया है। अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे उस नेविगेशंस बार के ऊपर एक्टिविटी के ऊपर हमें फ्रैगमेंट हमें ओपन करना है। ओके, हमें कुछ वहाँ पे स्विच केस का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिख कर रखा था, तो मैं उसे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ और इसे मैं रहने देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ पर है ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड। ओके, अब मैं फिर से इसे रन करता हूँ अपने एमुलेटर पर। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी ये जो भी फ्रैगमेंट है ये हमें सबसे पहले क्या शो करता है, होम एक्टिविटी फ्रैगमेंट हमें शो कर रहा। अगर मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट क्लिक पर ही यहाँ पर ऐड ओपन होता है एंड देन प्रोफाइल पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रोफाइल हमें यहाँ पर शो होता है। अगर मैं फिर ऐड पर क्लिक करता हूँ तो ये ऐड पर, और अगर मैं फिर प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रोफाइल पर हमें स्विच कर देता है। तो ऐसे आप यहाँ पर सिंगल क्लिक के ऊपर आप यहाँ बॉटम नेविगेशन के ऊपर काम कर सकते हो। और ये ही प्रॉब्लम आती है, ये कोई एरर नहीं है, ये सिंपल एक ये होता है, एक स्टेटमेंट है और एक मेथड है जो हम यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा और आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ओके, बाय।